हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स इन ऑप्शन. सब ऑप्शन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ केल्विन साइकिल इज पूछा गया. केल्विन साइकिल में जो इवेंट होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस में से कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आर यू बी पी है, 5 कार्बन कंपाउंड, जब कार्बोक्सिलेशन होगा यहाँ पे, जो यहाँ पे कार्बन फिक्सेशन जो हो रहा है ये कैटलाइज कौन करता है, ये रूबिस्को एंजाइम कैटलाइज कर रहा है. और हो क्या रहा है यहाँ पे, कार्बोक्सिलेशन. सो कार्बोक्सिलेशन से फॉर्म क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट. एंड ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है इसका फर्दर क्या होगा, रिडक्शन होगा. इसका यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा. जब रिडक्शन होगा यहाँ पे तो यहाँ पे क्या यूटिलाइज होगा, जो एटीपी एंड एनएडीपीएस जो फॉर्म हुए लाइट रिएक्शन में वो यूटिलाइज होंगे. एटीपी प्लस एनएडीपीएच ये यूटिलाइज हो रहा है तो बनेगा क्या यहाँ पे, एडीपी प्लस पीआई प्लस एनएडीपी प्लस. और फॉर्म क्या होगा यहाँ पे, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर. और यहाँ से अगर हम देखें कार्बन यूज होकर जो शुगर का सिंथेसिस हो रहा है, ये एक बार में तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आरयूबीपी का रीजनरेशन होना जरूरी है. रीजनरेट नहीं होगा तो यहाँ पे अगला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगा उसका फिक्सेशन नहीं हो पाएगा, तो ये होना जरूरी है. सो ये जो रीजनरेशन स्टेप होता है यहाँ पे, ये रीजनरेशन स्टेप है टू कंटिन्यूएशन ऑफ द साइकिल बिना किसी इंटरप्शन के. और यहाँ पे जो है एटीपी जो है यूटिलाइज होगा. यहाँ पे अगर हम देखें एक एटीपी यूटिलाइज हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं, यहाँ पे 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बने हैं. तो यहाँ पे 2 ATP 2 NADPH यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा, और यहाँ 2 ADP 2 PI एंड 2 NADP प्लस बन रहा है. ट्रायोस फॉस्फेट शुगर भी यहाँ पे 2 बन रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे ऐसा साइकिल जो है, अगर ये साइकिल 6 बार होगा तब जाके तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है 6 कार्बन फिक्सेशन से. तो अगर हम देखें सीक्वेंस क्या है, कार्बोक्सिलेशन और रिडक्शन देन रीजनरेशन. सो कार्बोक्सिलेशन इन दोनों में दिया है, इसमें डी कार्बोक्सिलेशन दिया है दोनों में तो गलत है. देन रिडक्शन होगा, यहाँ रीजनरेशन दिया है गलत है. पहले रिडक्शन उसके बाद रीजनरेशन. सो करेक्ट आंसर विद दिस थर्ड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.